हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। खुशी की बात है कि आप सभी ने 402 कोड का पेपर आज दे दिया है और यही वो पेपर है जो आज आया था एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जैसा कि आपको पता है कि 402 कोड जो है ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। तो अब ये 402 कोड का पूरा पेपर है और आई होप कि सबने अच्छा किया होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फंक्शंस को हम देखते हैं। इसमें ओपन ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे फंक्शन टेक्स डाटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट्स और वर्कबुक्स एंड समराइज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली। तो ये जो है डाटा कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। कंसोलिडेट मैंने आपको एक्सेल में सिखाया था, ठीक है। सेम आपको लिब्रा कैल्क में भी यही करना है और ये लिब्रा कैल्क में आपको ये मिलेगा और एक्सेल में भी मिलता है आपको ये। तो ये काफ़ी आसान है। और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है टू अदर टूल बार्स कैन बी ओपन फ्रॉम पिक्चर टूल बार आर। तो यहाँ पे दो टूल बार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक फिल्टर टूल बार और कलर टूल बार पर टिक करना है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर देख सकते हैं इफ यू कंटिन्यूअली वर्किंग विथ द सेम रेंज, अब ये फिर वापस से बात कर रहा है ये कैल्क की, देन यू मे गिव अ नेम टू द रेंज यूजिंग, हम किसका यूज करके नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है उसी को डिफाइन किया जाता है, इसमें आपको डिफाइन रेंज पर टिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए इन कैल्क, कैल्क यानी कि जो एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर आपको ओपन ऑफिस मिलता है उसी की बात कर रहा है। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग यू कैन सेलेक्ट एरेज एंड देन चूज अ स्टैटिस्टिकल फंक्शन, पर आपको 3 पे टिक कर देना है। फिर इसी तरीके से नीचे और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस तो आपने किए ही होंगे। जैसे यहां पर भी एक देख लेते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आरडीबीएम। आरडीबीएम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, जिसको लेकर के मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं। तो यहाँ पर ओरेकल हो जाएगा। ओरेकल एक पॉपुलर डेटाबेस है, इसके अलावा और भी डेटाबेस होते हहैं जैसे SQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और भी तमाम डेटाबेस के सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आते हैं और थोड़ा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू अदर पार्ट्स ऑफ द करेंट फाइल टू डिफरेंट फाइल्स और इवन टू वेबसाइट। तो इसमें कौन सा होगा, तो ये हाइपरलिंक होता है। हाइपरलिंक यानी एक जगह प्रेजेंट रहते हुए दूसरे जगह के लिंक के थ्रू वहाँ चले जाना, ये कहलाता है हाइपरलिंक, ये मैंने बताया था। और इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर पता ही है आपको, ये तो मेल मर्ज हो जाएगा, यहाँ पर इसको पढ़िए आप और यहाँ पर ये मेल मर्ज हो जाएगा। और इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आसान क्वेश्चन है और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा पेपर को। और अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा, जिन जिन लोगों ने ये पेपर दिया है। वैसे RNH अकेडमी के बच्चे बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अच्छा इस पेपर को सॉल्व किया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ये देखिए छठवां क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड, अब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, एज सून एज इट इज स्विच्ड ऑन और द पावर बटन इज पुश्ड ऑन। तो इसे बोलते हैं बायोस बोलते हैं, ठीक है। अब बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ लिखा भी हुआ है। और जब आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है और फिर जब वो लाइट ऑन ऑफ होती है तो वो प्रोसेसिंग जो है उसे हम पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पे आपको बायोस पर टिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स, नेहा को बहुत सारे मेल्स मिलते हैं फ्रॉम कंपनीज, कंपनी के द्वारा, हु आर एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ट्राइंग टू अट्रैक्ट हर टू देयर वेबसाइट, ठीक है, जो उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट के जरिए। सच टाइप ऑफ मेल्स आर कॉल्ड, इस टाइप के मेल को हम कहते क्या है, ठीक है। तो इसमें आप आंसर बताइए मुझे, एडवर्टाइजिंग, पहले ही नाम ले लिया गया है एडवर्टाइजिंग, तो इसे हम एडवर्टाइजिंग मेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और लाइक ये तो पहला वाला चैप्टर हुआ जो है उसी का क्वेश्चन है।
ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ये कई बार मैंने रिपीट भी किया था, तो इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए पहले चैप्टर से एकदम क्वेश्चन है, ठीक है, और ये दूसरे या तीसरे शायद इसी चैप्टर से किसी से है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे आए हुए थे, और आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।